आचार्य चाणक्य के अनुसार इन चार आसान तरीकों से किसी भी व्यक्ति को आजमा कर देखा जा सकता है। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को इन तरीकों से आजमा कर देखा जा सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार इन चार तरीकों से आजमा कर किसी भी व्यक्ति को पहचाना जा सकता है कि उसका व्यवहार, उसका आचरण और उसका गुणधर्म कैसा है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस प्रकार सोने को पीट कर रगड़ कर जलाकर सोने की शुद्धता की पहचान की जाती है, इस प्रकार व्यक्ति की शुद्धता की भी पहचान होनी चाहिए। उसके लिए आचार्य चाणक्य ने कुछ नियम बताए हैं जिसके आधार पर व्यक्ति के आचरण की पहचान की जाती है। इसमें सबसे पहला नियम है त्याग की भावना। यदि किसी व्यक्ति में खुद के सुख को त्याग कर दूसरे को सुख प्रदान करें तो वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आचार्य चाणक्य का कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति में त्याग की भावना होती है वह बहुत ही सरल और अच्छी सुबह का इंसान होता है। फिल्म आचार्य चाणक्य ने दूसरा नियम बताया है व्यक्तिगत चरित्र देखना। यदि व्यक्ति का चरित्र बेदाग है, उसमें कोई दाग नहीं है तो वे इंसान बहुत ही अच्छा है, वे आपसे मित्रता भी कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के चरित्र में बहुत सारे दाग है तो आप उस व्यक्ति से दूर ही रही है। इसके अलावा इंसान को परखने के लिए उसकी कोई भी बहुत ही आवश्यकता होते हैं कि मैं दोनों प्रकार के होते हैं, गुण और अवगुण है, आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने 14 नियम यह बताया है कि सभी व्यक्ति के गुण धर्मों को और उसके चरित्र को मिला जुला कर जो आपके सामने परिणाम आए उसके हिसाब से आपको शक्ति के साथ दीवा रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास ज्यादा अवगुण है और वह जानता ही धैर्य अपनी किसी तरकीब या फिर किसी को कष्ट पहुँचा कर अर्जित करता है तो आप ऐसे व्यक्ति से दूर ही रही है।